यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री मायराइड। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री मायराइड के एक और व्लॉग में। और आज हम आए हुए हैं कहाँ, ऑटो बेस्ट एम्पीरियो नारायणा के अंदर। तो आज जिस गाड़ी का हमने नंबर लगाया, वो गाड़ी वो है जो लोग बहुत पसंद करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑडी के चार छल्ले। तो इस गाड़ी की पूरी डिटेल जानेंगे और जानेंगे कि वो गाड़ी कितने ही पैसों में आती है ऑटो बेस्ट एम्पीरियो के स्टॉक में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ये लाल कलर का बटन दबा के, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब जब मैं नई वीडियो डालूँ 10 बजे तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है, जहाँ पे मैं बहुत सारी गाड़ियों से रिलेटेड अपडेट आपको बताता हूँ। और दोस्तों, आज का जो स्पेशल शाउट आउट है वो उस सब्सक्राइबर को जाता है जिसने हमारी वीडियो पर बहुत अच्छा कमेंट किया। तो द स्पेशल शाउट आउट गोज टू हर्ष यादव। थैंक यू सो मच भाई कि आपने माय कंट्री मायराइड की वीडियो पर कमेंट किया। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और जानेंगे उस चार छल्ले की डिटेल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री मायराइड के एक और व्लॉग में। तो आज हैं हम ऑटो बेस्ट एम्पीरियो नारायणा के अंदर, और हमारे साथ है फ्रॉम ऑटो बेस्ट एम्पीरियो नारायणा से साहिब। साहिब कैसे हो? बढ़िया भैया, सबको एक बार हाई कर दो। इरफान भैया की सारी फैमिली को हाई। तो आज कौन सी गाड़ी कर रहे हैं? A6 मैट्रिक्स। आज हम करेंगे ऑटो बेस्ट एम्पीरियो के स्टॉक की लोडेड गाड़ी। आप हमेशा की तरह जानते हैं कि इनके पास स्टॉक में बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन की गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो आज साहिब के साथ हम एक्सप्लोर करेंगे ऑडी के चार छल्ले जो लाइफ में होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और जिसका नाम रहने वाला है ऑडी A6 मैट्रिक्स, राइट? सबसे पहले कलर बताएं कि कलर क्या रहने वाला गाड़ी का? ब्लैक कलर है गाड़ी का। ओके, और शुरुआत करो कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन देती है ये ऑडी? सर, ये ऑडी A6 मैट्रिक्स है। ओके, ये टॉप एंड वेरिएंट है, ठीक है। इसको मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? इसकी लाइट्स के तरफ, इसमें फ्लूडिक लाइट्स होती हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, जैसे साहिब आप ऑटो बेस पे तो बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, ऑडी बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे पास पहले भी स्टॉक में हमने दिखाई हैं, मैट्रिक्स में और जो नॉर्मल ऑडी A6 होती है, फ़र्क क्या होता है वैसे, क्या डिफरेंस होता है? लाइट्स का फर्क होता है। मेरे को कई लोग कहते हैं कि यार A6 मैट्रिक्स ही क्यों कहते हैं इसको? हाँ, वही तो। इसमें लाइट्स जो होती है ना, इसमें फ्लूइड होती है, ये जो जैसे फ्लूइड जा रही है ना। ओके ओके, ये A6 मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं, इसकी लाइट्स को मैट्रिक्स कहते हैं। इसको आज भी A6 टेक्नोलॉजी कहते हैं। ओके, इसको A6 टेक्नोलॉजी कहते हैं, पीछे भी है इसकी टेल लैंप्स भी। तो एक काम करते हैं फिर, साहिब के साथ पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पीछे जो लाइटों का जो मज़ा है ना गाड़ी के अंदर, वो क्या रहने वाला है। अच्छा, सिर्फ इसी वजह से इसका नाम मैट्रिक्स पड़ गया है, मैट्रिक्स। क्योंकि जो इसकी लाइट्स है, ये 15 एंड में ये शेप आई थी। ओके, 15 एंड में, ये देखो इसमें भी फ्लूइड है, बहुत बढ़िया। अब ये देखो पीछे से, आप पूरी प्रोफाइल देखो, कितने सीसी की गाड़ी है वैसे मैट्रिक्स? ये 2 लीटर इंजन है, 2 लीटर इंजन है, 1998 सीसी राउंड है। ओके, और 190 bhp है इस गाड़ी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इधर आप देखोगे तो ड्यूल टिप एग्जॉस्ट भी आपको दिखेंगे जी, जो कि बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। अब थोड़ी सी साइड प्रोफाइल आप एक्सप्लोर करें गाड़ी की, ताकि आपको आइडिया हो कि साइड से क्या प्रोफाइल है। ऑडी A4 भी आती है, A6 भी है। A4 और A6 में क्या मेजर डिफरेंस आता है वैसे तो? सर, A6 में एयरमेटिक सस्पेंशन आते हैं। अच्छा, उसका बेनिफिट क्या है? आप पीछे बैठे हो, ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबली, आपको खड्डा नहीं लग रहा, और गाड़ी का सस्पेंशन बहुत बेटर हो जाता है। एयरमेटिक सस्पेंशन का एक और बेनिफिट है, आप हाइट को रेज कर सकते हो। मतलब फिर भी अगर मैं हाइट को रेज करने की हम बात करें तो कितनी हाइट रेज हो जाएगी वैसे? कुछ अमाउंट तक, कुछ इंचेस हो जाएगी जी, जी, जी। और गड्ढे वड्ढे बिल्कुल नहीं पता लगेंगे इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं, मतलब फील आ जाएगी आपको भाई, फील तो लेंगे पूरी, क्योंकि आए भी इसलिए हैं कि जो भी मेरा भाई प्री ओन्ड लग्जरी और अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं उसके लिए हम एक्सप्लोर करते हैं गाड़ी। अपने पास कौन सा मॉडल है ये? ये 15 के मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, और 16 की रजिस्टर्ड है, जैसे मैंने बताया ना आपको 15 एंड में ये शेप आई। ओके, ये 15 एंड की ही मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, 16 की रजिस्ट्रेशन गाड़ी है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और ओनर इसका सिंगल है। ओके, सिर्फ 29,000 चली हुई गाड़ी है। बहुत बढ़िया। अब सारी डिटेल बता दी, लेकिन प्राइस अभी नहीं बताएंगे, पहले थोड़ी सी और गाड़ी एक्सप्लोर करवाएंगे। इट हैज सनरूफ, तो आप सनरूफ भी देखते हैं। इसमें एस लाइन की बैजिंग है। ओके, ये बैजिंग एस लाइन की है। अब उधर देखोगे तो उधर भी आपको दिखेगी एस लाइन बैजिंग। एस लाइन से फर्क क्या पड़ रहा है गाड़ी पे? एस लाइन टॉप एंड वेरिएंट में आता है, जैसे टेक्नोलॉजी पैन इसका वेरिएंट का नाम है। ओके, उस एस लाइन में क्या होता है भी, एक तो बैजिंग आती है, ठीक है, बम्पर्स का फर्क होता है। ओके, ये फर्क होता है। बहुत बढ़िया डिफरेंस होते हैं। अब अलॉय पे एक बार नजर देखते हैं कि कितने इंचेस। सारी स्टॉक है ना गाड़ी है? हाँ जी, हाँ जी, सब स्टॉक है, सब कुछ है स्टॉक। तो अभी तक तो हमने देखी बाहर से, अब ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे,
आप कुछ कह रहे थे, बट मैं कह रहा था स्टॉक में भी इतनी लोडिंग्स हैं कि आपकी फैमिली को मजा आ जाएगा। पहले मुझे मजा दिलवाओ इस गाड़ी में बिठा के, प्लीज आओ फिर अंदर बैठते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं Audi A6 मैट्रिक्स के अंदर, जो कि रहने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त। सबसे पहले ये जो स्क्रीन निकल के आई है साहिब, क्या कहते हैं इसे, गाड़ी बंद कर देते हैं शोरूम में। ठीक है, MMI कहते हैं। MMI मतलब मल्टी मीडिया इंटरफेस। ओके, अब ये वाला जो फीचर है ये शायद Audi के अंदर ही आता है कि ये जो फ्लिप करके स्क्रीन आती है। जी, 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 जी। अब शुरुआत करो कहीं से कि गाड़ी की अंदर से क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या फीचर अपने को मिल जाते हैं। भैया एक तो यहाँ बैठ के जहाँ आप बैठे हो बस ये ही बढ़िया ड्राइव, मतलब बहुत सॉफ्ट हैंडलिंग है। ओके, A6 क्या सारी Audi ठीक है, बहुत प्यारी हैंडलिंग है इस गाड़ी में। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि रेस का ऑप्शन है, ओके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। गाड़ी आप ब्रेक पे बैठ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रेस का ऑप्शन है। ओके, हम रेस करेंगे गाड़ी ऊपर आ जाएगी। अच्छा, रेज मीन्स ये थोड़ी सी लिफ्ट हो जाएगी गाड़ी। जी जी, यही एयरमेटिक का बेनिफिट। ओके, अच्छा मैं इसके अंदर देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अभी गाड़ी को बंद कर देते हैं एक बार। जैसे अब ये कंफर्ट मोड है, ऑटो मोड है, तो ये किस काम के लिए आते हैं वैसे? कंफर्ट में गाड़ी आपकी कंफर्ट हो जाएगी, मतलब कंफर्टेबली आप ड्राइव कर पाओगे और आपकी एवरेज बिल्कुल नॉमिनल हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप स्पोर्ट मोड पे करोगे आपकी एवरेज कम हो जाएगी। ओके, और स्पीड बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया, ये फर्क होते हैं जो। अब ये देखो जो पुश स्टार्ट गाड़ी है तो पुश स्टार्ट का बटन आपको यहाँ मिल जाता है। अब साहिब से थोड़ी सी यहाँ के बारे में जानते हैं कि साहिब ये जरा एक बार समझाओ कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है अपने को। सर इसमें एक तो मल्टीमीडिया सारा आ रहा है, ठीक है, मीडियास, रेडियो, नेविगेशन, टेलीफोन यहाँ से। ये प्रीमियम प्लस नहीं सॉरी टेक्नोलॉजी में ये बटन्स नहीं आते, जैसे प्रीमियम में ना बटन्स आते हैं, इसमें टच आता है। ठीक है, ये फर्क है इस गाड़ी में। ड्यूल एसी कंट्रोल है इसमें, आप अपना टेम्परेचर रख सकते हो, मैं अपना कर सकता हूँ, बहुत बेनिफिट है। वैसे सीडी का जमाना रहा तो नहीं है, बट क्या सीडी ले लेगी गाड़ी? ले लेगी। ये रहा सीडी चेंजर, इसके अलावा भी कोई सीडी चेंजर होता है? इसमें 6 सीडीज होती हैं इसके अंदर ही। हाँ जी, 6 सीडी चेंजर है। वैसे सीडी का अब जमाना तो नहीं रहा, लेकिन जो लोग सीडी के शौक रखते हैं उनको पता है, कई लोग रखते हैं आज भी रखते हैं। मैं इसके अंदर पेडल शिफ्ट देख पा रहा हूँ, पेडल शिफ्ट का क्या यूज रहने वाला है? जब हम स्पोर्ट्स मोड पे कर देंगे ना गाड़ी, ओके, तो हम ऑटोमेटिकली भी चला सकते हैं, मैनुअली भी चला सकते हैं। ठीक है, मैनुअली में अब यहाँ ये गियर इससे कम होता है, ठीक है, वहाँ प्लस है, आपको दिख रहा होगा प्लस। हाँ जी, प्लस, ठीक है, वहाँ से प्लस होगा, यहाँ से माइनस होगा। ओके, आप खुद गियर कंट्रोल कर सकते हो। कई लोगों को लगता है बूम चाहिए, मतलब भगानी है गाड़ी, सही, मैनुअली गियर चेंज करने, तो उसके लिए प्लस और माइनस। 300 टॉप स्पीड दिख रही है मुझे इसके अंदर, प्लस माइनस करके 280 चल जाएगी। कभी ट्राई तो नहीं किया पर जाएगी, है इसकी काबिलियत है ना इतनी। हाँ जी, हम किसी को स्पीड के लिए रेकमेंड तो नहीं करते, बट इन गाड़ियों की पावर ऐसी होती है, कि ये जा सकती है। जैसे मैंने अभी बताया भी था, 190 BHP बहुत होती है गाड़ी के लिए, बहुत होती है। अब इधर भी आप देखोगे तो इधर आपको काफ़ी सारी स्टोरेज मिल जाती है। अब इधर 2 कप होल्डर आपको मिल जाते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन, और इधर भी कुछ स्टोरेज आई थिंक यहाँ पे साहिब अपने को एस्ट्रे एंड लाइटर। हाँ जी, ठीक है, देन वी हैव इधर भी, अच्छा इधर भी इधर भी स्पेस है के लिए, 2 USB और ऑक्स के लिए यहीं पे, और 12 वोल्ट का अपने को चार्जर मिल जाता है। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स के अंदर यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को? बहुत स्पेस है यहाँ भी, काफ़ी स्पेस मिल रहा है। अच्छा एक चीज़ मैंने देखी इसके अंदर जब मैं एंटर हुआ है, ये ब्लैक कलर गाड़ी है विद बेज इंटीरियर, बट स्टिल मैं देख पा रहा हूँ 3 तरह का जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो लाइक जो डैशबोर्ड है उसका कलर थोड़ा अलग है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? ये तो वुडन सी लग रही है मुझे। हाँ जी, ये वुडन होता है। ओके, यहाँ पे भी है एक बार देखो। हाँ जी, साइड में भी है। अच्छा ये वर्चुअल कॉकपिट है क्या इसका पूरा? ये नहीं, वर्चुअल कॉकपिट नहीं है। फिर वर्चुअल कॉकपिट यहाँ पे जो स्क्रीन होती है ना, वो पूरी स्क्रीन होती है तो वर्चुअल कॉकपिट होता है। ओके, यहाँ पे मीटर्स हैं। ओके, बट इसमें एक बेनिफिट है, मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी एक बार ब्रेक पे बैठा हूँ। हाँ जी, इस गाड़ी में ऑन बोर्ड नेविगेशन, अब ये देखना ऑन बोर्ड नेविगेशन जो हम देखने वाले हैं। ओके, तो आपको सामने दिख रहा होगा, मिस्टर व्यास ने फोकस किया होगा, तो आपको हाँ यहाँ देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है लोगों का ना ध्यान भटकता है, सही बात है, हाँ, तो वो स्पीडोमीटर पे ही फोकस करके नेविगेट कर लेता है। यहाँ पे वैसे कन्वीनियंट रहता है अगर आप एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, क्योंकि आपकी नज़र यहाँ से यहाँ जाने में ईजी लगती है रैदर देन कि आप यहाँ पे देखें। तो अभी इसे कर देते हैं दोबारा से बंद, गाड़ी होगी है बंद। अब और कुछ बताओ, और कुछ मतलब Audi मैट्रिक्स क्यों ले जाए, नॉर्मल Audi क्यों ना ली जाए? मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, बट पीछे बैठ के, पीछे बैठ के, क्योंकि A6 का मजा पीछे बैठ। तो चलिए बैठते हैं इसके गाड़ी के पीछे, आइए।
ओके दोस्तों, तो आप साहिब के अनुसार अब हम आ चुके हैं पीछे। अब आप की देखो, नॉर्मली ही की जो ऑडिस की आती है वही है, बट ये जो गाड़ी है ये नॉर्मल से बहुत ऊपर है। स्पेशली आई लव द कलर ब्रो, अच्छी बात कह रहे हो। एंड स्पेशली द मैट्रिक्स लाइट, वो तो इस चीज़ को बिल्कुल डैशिंग बना रही है। बहुत ज़्यादा, बहुत। पीछे लेके तो आए हो, प्रॉमिस भी किया है कि पीछे बैठ के बहुत कुछ बताऊंगा। सबसे क्वेश्चंस पूछते हो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं? बिल्कुल। आपको मजा आ रहा है? मजा, मैं तो कह रहा हूँ लेग स्पेस कैसी इस गाड़ी? मैं तो कह रहा हूँ कि टोकन ना पकड़ा दूं मैं। आपको लेग स्पेस कैसी लगी? सी, लेग स्पेस की अगर हम बात करें तो लेग स्पेस इज वेरी नाइस। जो पीछे की फील है ना, हाँ जी, वो A6 की मेजर चीज है। अच्छा साहिब, अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 5 फ्रेंड है, अगर लॉन्ग जर्नी है 500 किलोमीटर की, A6 में कंफर्टेबली 5 बंदे चल जाएंगे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने आमरस यहाँ पे खोल रखा है, बट स्टिल एक बहुत ही अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको मिल रहा है। और उसके बाद अगर ये तो काफ़ी हैवी है भाई, सीरियसली। मतलब नॉर्मली आमरस मैंने बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में देखे हैं, बट इस क्वालिटी का जो आमरस मिल रहा है ना यहाँ पे, वो शायद बहुत कम गाड़ियों में मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कप होल्डर, जो कि इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ स्पेस भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब साहिब पीछे बैठे हैं, रियर एसी वेंट्स भी दिख रहे हैं, क्या ये पीछे से भी ड्यूल जोन है? जी, 4-zone एसी हो गया। तो ये 4-zone एसी कंट्रोल हो गया। ओके, आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी, और दोनों तरफ से। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, इस गाड़ी में MMI रेडी है। उसे क्या मतलब होगा? आप टॉर्च देख रहे हो वहाँ पे? हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ। आप स्क्रीन लगा सकते हो। अच्छा, ये मतलब स्क्रीन कहने का मतलब ये कि आफ्टर मार्केट भी लग जाएंगे और कंपनी से भी लग जाएंगे? आफ्टर मार्केट भी लग जाएंगे, कंपनी से भी लग जाएंगे। वैसे अगर पीछे का स्क्रीन लग जाए तो जो पीछे वालों के लिए तो मतलब मजा दुगना हो जाता है। जो फील आएगी ना, मैं क्या एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ, ये जो फील बार बार बोला जा रहा है ना, बस पीछे का मजा आ रहा है बहुत ही जबरदस्त। पीछे मैंने देखा है मैनुअली इसके अंदर कर्टन्स भी लगे हुए हैं, जो कि समर में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ऑन रोड। और पीछे की भी जो डोर की क्वालिटी है वो भी जबरदस्त है। आपको बोस का ऑडियो दिख रहा है? सी, ऑडी इज ऑलरेडी पावर्ड बाय बॉस, तो उसकी तो कहने की बात नहीं है। और बॉस वाली ये गाड़ी है वाकई, मतलब ऑडियो सिस्टम ले लो, स्टेयरिंग ले लो, लाइट्स ले लो, एवरीथिंग इज टॉप लोडेड। तो अब सीधे सीधे बात करते हैं मुद्दे की, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं इस गाड़ी की डील के लिए, और ये डील हम पहुंचाएंगे आपके डोर स्टेप तक। तो साहिब शुरुआत से शुरू करें इसके मॉडल से, क्या डिटेल है इस गाड़ी की? 15 की मैन्युफैक्चरिंग। ओके, और जनवरी की रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी की 16 की। ठीक है जी, जनवरी तक की इंश्योरेंस है इस गाड़ी में। बहुत बढ़िया, 2020 तक। ओके, मतलब गाड़ी लेने से पहले कोई एक्सपेंस नहीं है इसमें। ठीक है, कोई इंश्योरेंस का, जैसे AB तो हमेशा रिकमेंड करता है, हमेशा एक चीज देता है कि ट्रांसफर कॉस्ट भी नहीं है। ओके, मतलब आपने ना ट्रांसफर कॉस्ट देना है ना इंश्योरेंस के पैसे देना है। ओके जी, और ये कितने किलोमीटर चली है? सिर्फ 29,000। 29? नहीं, कितने की आती है ऑडी? नई गाड़ी आ रही 60 लाख। अभी बंद हो गई मैट्रिक्स? अभी ये करंट शेप, ये करंट शेप नहीं हुई इसकी, मान के चलो आप 5-6 महीने तक एक न्यू शेप आनी है। अच्छा, न्यू शेप आनी है। हाँ जी, बट ये भी करंट शेप ही एक तरह से। हाँ जी, अभी एक करंट शेप। बहुत बढ़िया, अब देखते हैं करंट शेप गाड़ी ये कितने की आने वाली है। क्या कहते हो, नई गाड़ी से तो पैसे बचेंगे ना काफी? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ना, बस ये वर्ड मुझे बहुत पसंद आता है। कितने बचेंगे आपकी फैमिली के लिए? तो वैसे ही बस बस बस, जल्दी बताओ कि ये कितने में पड़ेगी इसकी डील? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 32 लाख के अंदर। 32 लाख नेगोशिएबल है, प्राइस नेगोशिएबल है, और आपकी फैमिली के लिए ज्यादा नेगोशिएबल। बहुत बढ़िया, तो सारी इन्फॉर्मेशन वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। 32 लाख रुपए की है जी इसकी डील, और गाड़ी वही है जो ब्रांड न्यू कंडीशन में शोरूम में खड़ी होती है, क्योंकि बिल्कुल ही मिंट कंडीशन में है, और ऑटोबेस्ट एम्पीरियो पे, तभी हम आपको लेके आते हैं और दिखाते हैं इनकी लग्जरी गाड़ियों का स्टॉक। सो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप नंबर पर कॉल करके इस गाड़ी की इंक्वायरी पूछ सकते हैं, या किसी भी लग्जरी गाड़ी की इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि साहिब एक बार आपको स्टॉक की अपडेट बता देंगे कि हम प्राइस रेंज कहाँ से शुरू हो रही है अभी लेटेस्ट अपनी। हमारी प्राइस 20-25 से स्टार्ट है। ठीक है, हाँ जी, और ये अप टू तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है। तो 20 लाख से ऊपर की गाड़ी अगर आप ढूंढ रहे हैं एक लग्जरी प्रीमियम और ब्रांड न्यू कंडीशन की गाड़ी, सो यू कैन विजिट ऑटोबेस्ट एम्पीरियो इन नारायणा। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि क्या कहना है आपका इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि गाड़ी है बिल्कुल टॉप लोडेड और बहुत मज़ा आया इस गाड़ी को कवर करके। सो टिल द टाइम, थैंक्स वॉचिंग माई कंट्री माई राइट, सी ऑफ, बाय बाय फ्रॉम ऑटोबेस्ट एम्पीरियो। और साहिब एक बार अपने अंदाज में बाय ज़रूर कर दें। बाय सर, बाय बाय जी।